हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी अरबी कुजीन के बारे में। जिस प्रकार से आप लोग पूछते हो कि जो कॉन्टिनेंटल कुजीन होती है वो क्या होती है, इंडियन कुजीन के बारे में तो हमें मालूम ही है, बट यहाँ पे जो अरबी कुजीन होती है क्या वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की होती है या फिर ये कुछ और है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अरबी कुजीन है एक 22 कंट्रीज का मिक्सचर है। ठीक है, 22 देश यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो कि अरब के देश कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 22 कंट्रीज के अंदर जो खाना बनता है उसको हम लोग अरबी कुजीन बोलते हैं। इसमें से कुछ फेमस कंट्री हैं जैसे कि हमारी सऊदी हो गया, हमारा दुबई हो गया, हमारा बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सारे कंट्रीज के नाम पे एक वीडियो बनाओ तो मैं स्पेशली एक वीडियो भी मैं आपको अलग से बना दूंगा। अब यहाँ का जो कल्चर है बहुत ही ज़्यादा रिच है, यहाँ की जो इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे, ठीक है ना, बहुत ही डाइवर्सिफाई है। साथ साथ इनका खुद का अपना एक हेरिटेज कल्चर भी है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं कुकिंग करने के लिए, जो कि आपको दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ हमारा एक ऐप भी है जो कि स्पेशली हमारे शेफ लोगों के लिए ही है, जो कि आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको HM गुरुकुल सर्च करना है, हमारा ऐप आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप ढेर सारी जो हमारी ई बुक्स हैं, प्रोग्राम है, कोर्सेज है, उनको ले सकते हैं और एज अ शेफ अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए। अब जो ये 22 कंट्रीज हैं इनके बीच में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, जो सबसे पहली कॉमन चीज़ है वो है यहाँ के स्टेपल फूड। स्टेपल फूड वो फूड होते हैं जो कि हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की मैं बात करूँ, दाल, चावल, सब्जी, ये हमारे स्टेपल फूड है। वहीं पे उन लोगों के स्टेपल फूड क्या है, वहाँ की लेंटिल्स हो गया, जैसे हमारे चिकपीज हो गया, राजमा हो गया, वहाँ के स्पाइसेस हो गया, पेपरिका वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे वीट, बल्गर वीट हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीट, स्पेशली हमारा जो लैम्ब का मीट है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट और या फिर इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को हम लोग वहाँ के स्टेपल फूड बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे बात आती है हमारे मेज़ा। आप जितनी भी अरबिक कंट्री में जाएंगे आपको मेज़ा प्लेटर जरूर मिलेगा। मेज़ा प्लेटर आपके छोटे छोटे मील्स होते हैं, जैसे हमारे आप लोग एपिटाइज़र बोल दीजिए, एंटीपास्ती बोल दीजिए, वहाँ पे सर्व किए जाते हैं। यहाँ पे आपका हमूस हो गया, ताबुले हो गया, बाबा गुनूस हो गया, फलाफल हो गया, इस प्रकार की जो छोटी छोटी टिटबिट्स होगी या फिर जिसको कि हम लोग फिंगर फूड्स बोलते हैं, वो सारे के सारे सर्व किए जाते हैं। और ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तीसरी सिमिलैरिटी इन अरब कंट्रीज़ के अंदर होती है वहाँ के मीट्स की, जो कि ग्रिल किए जाते हैं या फिर रोस्ट किए जाते हैं। पूरे के पूरे जो लैम्स होते हैं उन्हें रोस्ट किए जाते हैं, चिकन को रोस्ट किया जाता है। यहाँ पे कुछ डिश बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, जैसे कि हमारे शवरमा। शवरमा अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे शीशटॉक होते हैं, हमारे कोफ्ता बनाया जाता है, कई सारी ऐसी डिशेज होती हैं जो कि पूरे के पूरे लैम्ब के साथ राइस को भी कुक करके बनाई जाती है। इसी प्रकार की एक डिश है जिसको कि हम लोग मनसफ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ के राइस की, जिसको कि हम लोग पीलफ राइस बोलते हैं। पीलफ का मतलब होता है हमारा पुलाव। तो यहाँ पे बिरयानियाँ भी बड़ी फेमस होती हैं, स्पेशल तरह की यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बिरयानियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको मनसफ बताया, जो कि एक जॉर्डन की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। इसमें पूरे पूरे लैम को राइस के साथ और स्पाइसेस के साथ कुक किया जाता है और उसको वैसे ही सर्व किया जाता है। उसी प्रकार की राइस की एक और डिश होती है जो कि सऊदी कंट्री से बिलोंग करती है, जिसका कि नाम है कब्सा। इस कब्सा को एक प्रकार से आप स्पाइसी एरोमेटिक राइस विद मीट भी बोल सकते हैं। खाने में ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस का। हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए यहाँ की कंट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको यहाँ पे जो सूखे स्पाइसेस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा पेपरिका हो गया, क्यूमिन हो गया, मिर्ची आपको यहाँ मिल जाएगी, जीरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार के स्पाइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे इनका एक खुद का एक स्पेशल स्पाइस होता है जिसको कि हम लोग सुमैक पाउडर भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हर्ब्स की बात करूँ तो मिंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पार्सले का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है जो कि है हमारी ब्रेड्स। मिडिल ईस्ट में ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन ये सारी की सारी ब्रेड्स हमारे इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि हमारा पीता ब्रेड, लावास, और तीसरा हमारा खबूस।
खबूज आप किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाइए, आपको एक रियाल में या सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि भाई ब्रेड तो होनी चाहिए एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए अगर उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं अरबिक कंट्रीज के, जो कि है वहाँ की स्वीट डिशेज एंड वहाँ के एरोमेटिक बेवरेजेस। बेवरेजेस के अंदर यहाँ मिंट टी बड़ी फेमस है, यहाँ पे टर्मरिक से बहुत सारे ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, रोज़ जो हमारे गुलाब जल होता है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे जो डेजर्ट्स होते हैं, खासकर हमारा बकलावा हो गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ फिलो पेस्ट्री के अंदर ढेर सारे नट्स डाले जाते हैं, हनी डाली जाती है, और खासकर अगर आप इनके स्वीट्स देखेंगे ना तो यहाँ पे डेट्स और हनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्वीटनर। तो ये कॉमन आप बोल सकते हैं ट्रेंड्स होते हैं अरबिक कंट्रीज़ के अंदर, जो कि आपको हर अरबिक कुजीन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बोला मोरक्को क्यूजीन, सीरियन क्यूजीन, उनके ऊपर भी हम लोग और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट करेंगे। बट कमेंट आपको करना है, साथ साथ जो हमारा ऐप है आईएचएम गुरुकुल उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।